हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल के क्लास 9th के प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि कौन से ईयर का पेपर आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपका 2018 जी हाँ 2018 के पेपर को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे और साथ में समझेंगे कि उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा, उसकी बात आज के इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की बात नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और साथ में हम बता दें कि जो आपका यह ओरिजिनल ईयर पेपर है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मेरे गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है माइंड मेकर गुरुजी नेम से, आपको ऐप अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर पे, वहाँ से आप इस पेपर को फ्रीली जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहाँ से जाके इस पेपर को आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में एक जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेस में जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्सेस की जो क्लासेस होती हैं वो आपके ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेस आपके अवेलेबल हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपका रन करता है और ऑनलाइन क्लासेस ऐप के माध्यम से कराई जाती हैं। तो उसमें जुड़ने के लिए आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8795553272। 8795553272 पर यह नंबर रहने वाला है, आप इस पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। इसमें आपके पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि अमोंग द फॉलोइंग रेशनल नंबर विच वन इज ग्रेटेस्ट। इसमें से आपके चार जो हैं रेशनल नंबर दिए गए हैं और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है आपका ग्रेटेस्ट है। इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है आपका 11/28 है और दूसरा ऑप्शन आपका -5/7 दिया गया है और आपका तीसरा ऑप्शन आपका -9/14 दिया गया है और लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है -29/24 दिया गया है। ये आपके चार डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा आपका ग्रेटेस्ट जो है रेशनल नंबर है। अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करें तो जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जी हाँ, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वह आपका रेशनल नंबर होता है। और जहाँ पे आपका जो क्यू होना चाहिए वह आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका जो हो गया रेशनल नंबर की बात करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग इस ऑप्शन को ध्यान से देखें तो जो आपका पहला ऑप्शन है -11/28 दिया गया है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस में 0.392 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 0.392 आएगा। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करें, -5/7 की बात करें, तो आपका माइनस में 0.714 आने वाला है। नेक्स्ट वन आपका तीसरे नंबर की बात करें तो -9/14 आपका दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका आपका -6/42 आने वाला है और लास्ट ऑप्शन आपका -29/24 दिया है। अगर हम इसकी बात करें तो आपका -1.20 आपका दिया गया है। अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होने वाला है, तो जो आपकी नेगेटिव वैल्यू जो आपकी सबसे कम होती है, जी हाँ, अगर नेगेटिव में आपकी वैल्यू जो है सबसे कम है तो वह आपका करेक्ट होने वाला है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपका पहला ऑप्शन है ये आपका पूरी तरीके से इसके लिए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 32 नंबर की बात करते हैं। इसमें आपका 32 नंबर मेंशन किया गया है और आपके लिए जो है सेकंड नंबर होने वाला है। इसकी बात कर लेते हैं कि सेकंड नंबर में आपका क्या पूछा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि द एज ऑफ राहुल एंड रवि आर इन द रेशियो 5:7, 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रवि इन ईयर्स। इसमें बोला जा रहा है कि राहुल और रवि की आयु का जो अनुपात दिया है आपका 5:7 दिया है और आपका जो है 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु जो का जो आपका योग होता है वह आपका 56 वर्ष हो जाता है। तो रवि की आपको वर्तमान आयु बताना है, ठीक है, रवि का जो है आपको वर्तमान आयु बताना है कि कितना होने वाला है।
अगर हम बात करें कि एज का कितना रेशियो दिया गया है, तो एज का रेशियो 5:7 दिया गया है। अगर हम लोग एक्स बाई वाई बराबर लिखना चाहें तो 5:7 लिख सकते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि आपका 4 साल बाद 4 ईयर लेटर जो होता है उनके आपका एज का जो सम होता है वो आपका 56 हो जाता है। तो 4 ईयर लेटर जो आपका एक्स प्लस 4 हो जाएगा, प्लस में आपको वाई प्लस 4 बराबर आपका कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। यहाँ से x प्लस वाई प्लस 8 बराबर हो गया आपका 56 हो गया। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से आपका 48 लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग x बराबर लिखना चाहें तो 5:7y लिख सकते हैं। x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5:7y लिख सकते हैं। अगर आप y के टर्म में लिखेंगे तो 5:7 आप y इजली लिख सकते हैं। तो यहाँ x की जगह आपका 5:7y मैंने लिख दिया, प्लस में आपका वाई बराबर आपका 48 हो गया। यहाँ पे जो वाई की अगर हम बात करें तो वाई जो है आपका रवि का एज है और राहुल के एज जो है एक्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसको हमने वाई के टर्म में लेके चल रहा हूँ। अगर आपसे जो है राहुल के एज पूछा तो आप जो है एक्स के टर्म में लेके चलेंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा टाइम आपका जो होता है बच जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका 7 और 5 पे आपका 12y हो गया। 12y बराबर आपका 48 इंटू में आपका 7 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना है, तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए जो भी आप स्टेप बचा सके उसको आप बचा लीजिएगा। 12 से इसको कट कर दीजिए, ये आपका 4 टाइम में कट हो जाएगा। 4 इंटू में 7 कर दीजिए, ये आपका 28 आ गया। अगर हम लोग बात करें आपके रवि की एज की बात करें तो आपका 28 होने वाला है। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो 14, 21, 28 और 35 दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका इसके लिए करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इसके लिए करेक्ट होने वाला है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2x + 25° एंड 3x - 5°, देन द वैल्यू ऑफ x इज। एक समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण आपका दिया गया है और उसमें से आपका x की वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर हम लोग बात करें पैरेललोग्राम की, तो दो आपके एडजेसेंट जो आपके एंगल होते हैं उसका आपका जो सम होता है वो आपका 180 के बराबर होता है। ये आपको पता ही होगा अगर आपने पैरेललोग्राम का केस पढ़ा है, कभी भी आपने समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है। तो जो आपके 2 एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो आपका 180 के बराबर होता है। तो यहां से आपका जो एडजेसेंट आपका दिया गया है 2x है, प्लस में आपका 25 है, प्लस में आपका जो है यहां से आपका 3x है, माइनस आपका 5 बराबर आपका 180 के बराबर होने वाला है। तो यहां से 2x और 3x ये आपका 5x होने वाला है और यहां से आपका 25 में से 5 चला गया, ये आपका 20 होने वाला है, बराबर आपका 180 होने वाला है। तो 5x बराबर आपका 160 होने वाला है। तो x बराबर आपका 160 अपॉन में आपका 5 होने वाला है, ये आपका 32° हो जाएगा। जी हाँ, ये आपका 32° हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है 32, 34, 36 और आपका 42, तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट आपने पूरी तरीके से सीख लिया होगा। जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन बताया इसका कॉन्सेप्ट आपने पूरी तरीके से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके इसी तरीके की कंप्लीट आप कोर्सेस में भी आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 4th नंबर, 4th नंबर की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था और कुछ बच्चों ने गलत भी कर आया था इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा आपका जो है लेंदी तरीके का क्वेश्चन होने वाला है, फिर भी हम लोग एक अच्छे फॉर्म में इसके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। इसमें बोला जा रहा है कि एक जो आपका दुकानदार है अपने सामान पर आपका लागत मूल्य से 20% ज़्यादा आपका जो है मूल्य जो है अंकित करता है। जो आपका मार्क्ड प्राइस है वह आपका
20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। सपोज करिए कि आपका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वह आपका 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपका मार्क प्राइस की अगर हम बात करें तो वह आपका 100 प्लस आपका 20% ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ से आपका 120 आपका होने वाला है मार्क्ड प्राइस, जो आपका अंकित मूल्य है। जैसा कि आप कोई भी सामान जैसे आप परचेज करने जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे आपका एक मार्क्ड प्राइस होता है, आपके पैकेट के पीछे आपका लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसी को आपका मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। उसमें कुछ आपको कंसेशन भी मिल जाता है, कुछ प्रोडक्ट पे आपका 5%, कुछ प्रोडक्ट पे आपको 10% का कंसेशन मिल जाता है, जैसा कि आप अलग अलग शॉप पे जाके उसको परचेज करते हैं। तो यही आपकी मार्क्ड प्राइस की बात की जा रही है कि 20% बढ़ा के वह आपका जो है मार्क्ड प्राइस आपका लिखता है, और साथ में आपका 5% का डिस्काउंट भी दे देता है कि जो बंदे रहें आपका खुश रहें, कि जो सामान खरीदने वाले आ रहे हैं, अरे बोल रहे हैं कि 5% वहाँ पे छूट चल रही है दवा की दुकान पे, तो वो भी खुश, और साथ में दवा का जो रेट है वह भी आपका इंक्रीज करके या जो भी आपका मार्केट प्राइस है उससे आपका केवल 5% डिस्काउंट करके दे दिया जा रहा है, फिर भी उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज प्रॉफिट ही निकालना है। अगर आप इस वे में सिंपली अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका 14 है, 15 है, 16 है और 18 है। अगर आप अपने सिंपल माइंड से सिंक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो आपका आंसर होने वाला है 15 होने वाला है। आपका 20% ज़्यादा बढ़ा के दे रहा है और आपका जो है 5% कम कर दे रहा है, तो आपका 15 होने वाला। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, जी हाँ, हवाबाजी नहीं करनी है। आपको कॉपी पेन लेके एक अच्छे फॉर्म में उसको जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट की, बात कर लेते हैं कि कितना आपका जो है डिस्काउंट होने वाला है। तो डिस्काउंट की बात करें तो बोला जा रहा है कि आपका 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। किस पे दिया जा रहा है? आपके मार्क्ड प्राइस पे आपका 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात नहीं की जा रही, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से 10 से 10, यहाँ से आपको जो आने वाला है 6 आने वाला है, जो आपका डिस्काउंट आ गया 6 आ गया। तो अगर हम लोग बात करें डिस्काउंट करने की बाद जो आपका सेलिंग प्राइस होने वाला है, जो आपका सेलिंग प्राइस होने वाला है वह कितना होने वाला है, तो आपका 100 आपका 14 होने वाला है। यहाँ से आपके सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका 120 मार्क माइनस में आपका 6 बराबर 114, यहाँ से आपका जो सेलिंग प्राइस है ये आपका सेल कर देता है 114 रुपये। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस में आपका कॉस्ट प्राइस, तो 114 माइनस में आपका 100 बराबर आपका 14 हो गया। ये आपका जो आ गया 14 रुपीज़ आपका जो आ गया ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका प्रॉफिट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, तो प्रॉफिट आपका परसेंटेज बराबर होता है जितना प्रॉफिट है अपॉन में आपका कॉस्ट प्राइस इनटू में आपका 100 होता है। तो 100 से 100 कट गया, हालांकि प्रॉफिट परसेंटेज भी जो है 14 ही आ रहा है। तो आपका बाय चांस जो नो आपका 14 आ रहा है तो आप ऐसे भी करके बता सकते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है 14 आ रहा है, ठीक है, 15 नहीं आ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों ने 15 लगा कर आया था जिनका गलत था, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कॉन्सेप्ट आप समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है। देखिए, जो आपका साइकोलॉजिकल आपका एग्जामिनर जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेना चाहता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। तो देखिए, आपको जो है क्वेश्चन मैथमेटिक्स में 20 out of 20 पाना बहुत ही आसान है, लेकिन क्वेश्चन को एक अच्छे फॉर्म में रीड करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर आपने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो बच्चे जो होते खुश हो जाते हैं और वह खुशी में भी आपका गलत करके चले आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिलैक्स रहना है। एग्जामिनेशन से पहले आपको जो है 1 से 1.5 घंटे पहले आपको थोड़ा रिलैक्स करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है कॉपी पेन लेके बुक लेके पढ़ते रहो। बेटा, जो आपने 6 महीना पढ़ा, 1 साल मेहनत किया, 2 साल मेहनत किया या आपने 1 मंथ मेहनत किया, वो आपके 1 घंटे में मेहनत नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जामिनेशन से हैपन और पहले पढ़ के जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप टॉप करोगे। देखिए, आपका जो होता है जितना अच्छा आप जो है एग्जामिनेशन में बैठ के आप अच्छा थिंक कर सकते हैं,
आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन में जो आपका वर्क करता है वह आपका अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे वर्क करेगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एक अच्छे फॉर्म में प्रैक्टिस सीट लगाइए। मेरे यहाँ भी आपको प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट करके हेल्पलाइन नंबर पर ले सकते हैं और जम के प्रैक्टिस करिए। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं करा सकते हैं, तो इसीलिए आप जम के प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा सपोर्ट में हैं और आपका एक सीट जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल में कंफर्म करा दिया जाएगा। उसके लिए परेशान मत होइए, आप मेहनत बस जम के करिए, इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, निम्नलिखित में से कौन सा आपका पूर्ण रूप से घन नहीं है। पहला जो है आपका 343 दिया है जो आपका परफेक्टली जो है 7 का क्यूब होने वाला है। नेक्स्ट वन इसमें आपका 2197 दिया गया है जो आपका 13 का परफेक्ट क्यूब होने वाला है। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन आपका 2744 दिया है जो आपका 14 का परफेक्ट आपका क्यूब होने वाला है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बचा डी 2916 जो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है। इसके लिए देखिए आपका जो है 1 से लेके आपको 30 तक क्यूब और साथ में आपका स्क्वायर वर्ग और साथ में आपको घन जो है लर्न होना चाहिए। जी हाँ, आपका टी पे लर्न होना चाहिए जिससे आप कैलकुलेशन एक अच्छे फॉर्म में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 6वें नंबर की बात करते हैं, 6 नंबर की बात करते हैं कि 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका 75% ऑफ अ नंबर व्हेन एडेड टू 75 इज इक्वल टू द नंबर, द नंबर इज, एक संख्या के आपके 75% में 75 जोड़ने पर संख्या के बराबर हो जाता है। तो मैंने आपका लेट कर लिया कि वो आपका नंबर, लेट अस बी नंबर एक्स, वह नंबर जो होता है एक्स हो जाता है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक्स आप क्यों मानते हैं, वाई भी मान सकते हैं। बेटा आपको जो इच्छा करे अपने नेम से, जैसे आपका नेम स्टार्ट होता है ए बी सी डी जेड तक, जो भी आपको माना है उसको आप मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो नंबर है उसका 75% करने पर और साथ में आपका 75 जो है उसको प्लस करने पर वो नंबर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ से यह आपको होने वाला है 3x बाई आपका 4 होने वाला है, प्लस में आपका 75 बराबर आपका x हो गया। इसको आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आपका 75 बराबर हो जाएगा x माइनस 3x बाई आपका 4 होने वाला है। तो यहाँ से जो आने वाला है यहाँ से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 75 इंटू में 4 आपका कितना हो गया, 300 हो गया, 300 बराबर आपका x हो गया, 300 बराबर आपका x हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन आपका जो दिया गया 150 दिया गया है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका 200, नेक्स्ट आपका 225 और लास्ट आपका 300। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट है। देखिए इसके लैंग्वेज को आपको डिकोड करना है, क्वेश्चन में आपका दम था ही नहीं, क्वेश्चन आपका मुश्किल से 30-20 सेकेंड का ही क्वेश्चन था, दम क्या था लैंग्वेज में। तो आपको क्या करना है, उसके लैंग्वेज को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। आपने जैसे ही क्वेश्चन को डिकोड कर लिया समझ लीजिए कि आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 37 नंबर आपके लिए 7th नंबर होने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि देयर वुड बी 10% लॉस इफ अ टॉय इज सोल्ड एट 10 रुपीज 80 पैसा पर पीस, एट व्हाट प्राइस इन रुपीज इट शुड बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक खिलौने को जो है 10 रुपये 80 आपका पैसे जो है प्रति नग बेचने पर 10% की हानि होती है, उस पर आपका 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका 12.96 है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका 14.40 है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका 14.04 है और लास्ट ऑप्शन आपका 15.12 है। देखिए ऑप्शन से आपको एक आइडिया हो गया कि इसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन होने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें इसके कॉस्ट प्राइस की, यहाँ पे आपका सोल्ड प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा सीपी अपॉन में आपका 100 माइनस में आपका लॉस इनटू में आपका 100 होने वाला है। तो यहां से आपका जो हो गया
आपको कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है, सेलिंग प्राइस आपका 10.80 दिया गया है, 10.80 रुपये अपॉन में आपका 100 माइनस लॉस आपका जो है 10% दिया गया है, तो ये आपका 90 हो गया, इनटू में आपका जो हो गया 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका जो हो गया 108 अपॉन में 9 हो गया, 108 अपॉन में 9 हो गया, ये आपका 12 आ गया। ठीक है, जो आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई वो आपकी 12 रुपये आ गई, और जो वो आपका सोल्ड कर दे रहा है वो आपका 10.80 रुपये पर आपकी पीस से आपका सोल्ड कर दे रहा है, तो आपका जो 20 रुपये अगर आपका जो है ज़्यादा, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो आपका 20 रुपीस आपका ज़्यादा वो आपका प्रॉफिट करता है, तो ओवरऑल जो आपका आ गया 120 रुपीस आपका आ जाएगा। सोल्ड प्राइस अगर आपका 120 रुपये हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 12 रुपये, इनटू में आपका जो है क्या बोला जा रहा है, 20% आपका ज़्यादा वो आपका जो है अर्न करता है, अगर आपका जो है इफ़ ही सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर वह आपका 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना भी बेचना पड़ेगा, तो यहाँ से आपका 120 अपॉन में आपका 100 होने वाला है, यहाँ से आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका 12 इंटू में आपका होने वाला है 1.2, जी हाँ आपका 12 इंटू में आपका 1.2 होने वाला है, तो आप जानते हैं 12 × 12 कितना होता है, आपका 144 आपका होता है, और यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए तो यह आ गया 14.40 रुपये, जी हाँ 14.40 रुपये में उसको आपको बेचना पड़ेगा, अगर वह आपका 20% जो है ज़्यादा आपका प्रॉफिट कमाना चाहता है या चाहती है, जो भी लड़की आपकी या लड़का बेच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वें नंबर की बात करते हैं, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है, इसमें बोला जा रहा है कि इन हाउ मच टाइम इन अ ईयर एन अमाउंट ऑफ 64,000 विल बिकम 68,921 रुपीस इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट दिया गया है या आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है आपका पी ब्रैकेट में 1+R अपॉन में 100 की पावर आपका टी, या आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अमाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका दिया गया है 64,000 आपका जो दिया गया है वो आपका प्रिंसिपल दिया गया है, और यहाँ पे आपका 68,900 आपका 21 हो गया, और इस पी को इधर लाते हैं तो ये आपका 64,000 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1+R की बात करें तो R आपका 5 दिया गया है, R बाई आपको 2 करना है क्योंकि कि आपका जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो यहाँ से आपका 5 अपॉन में आपका 200 होने वाला है, और यहाँ पे आपका जो है टाइम की बात की जा रही है, तो टाइम आपका जो है हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ से आपका टी की जगह क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो हो गया 68921 अपॉन में आपका जो हो गया इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से आपका 205 अपॉन में 200 की पावर आपका 2T हो जाएगा। ठीक है, 2T हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए, किसी नंबर से आप इसको कट कर दीजिए, तो जो आने वाला है अगर आप इसको 5 से कट करते हैं तो यहाँ से आपका 41 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और इसको भी आप लिख दीजिए, अगर हम बात करें आपके 64,000 की तो यह आपका जो होता है 40 का क्यूब होता है, तो यहाँ से आपका जो हो गया 41 अपॉन में आपका 40 की पावर 3 इक्वल टू आपका 41 अपॉन में आपका 40 की पावर 2T लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बेस जो रहता है सेम रहता है तो पावर जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो वहां से आपका 2T बराबर हो जाएगा 3, तो T बराबर क्या हो जाएगा 3/2, टी बराबर क्या हो जाएगा 3/2, इसको अगर आप लिखना चाहें तो 1/2 आप ईयर लिख सकते हैं। ठीक है, 1.5 जो आपका 1.5 साल लगेगा, अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही जो है इसके लिए करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो हमने यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन बताए हैं पूरी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे, फिर भी अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और साथ में आपका यह हेल्प
हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8795553272। आप इस पर कॉन्टेक्ट करके कंप्लीट कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली स्टडी मटेरियल, नोट्स और साथ में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर सभी सब्जेक्ट का डिटेल वाइज आपको प्रोवाइड कराया जाता है विथ मिनिमम कॉस्ट में। जी हाँ, एक आपके बहुत ही कम कॉस्ट में आपको एक अच्छे फॉर्म में कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस मेरे यहाँ अवेलेबल हैं, उसको आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करने की बात ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये ओरिजिनल पेपर है, इसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। यह आपका जो पेपर है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और साथ में यह आपका ओरिजिनल पेपर है, जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ओरिजिनल पेपर आपको दिख जाएगा। 2018 का कुछ आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह भी यहाँ पे दिख जाएगा। 2018 का यह ओरिजिनल पेपर होने वाला है। नेक्स्ट वन, इसमें आपका 9th नंबर की बात कर लेते हैं कि आपका 9th नंबर में क्या बोला जा रहा है और क्वेश्चन में क्या आपसे आस्क किया जा रहा है। ये इस तरीके के क्वेश्चन का जो है क्रेज भी ज़्यादा है। इसमें बोला जा रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स, क्या बोला जा रहा है, x प्लस वन बाई एक्स बराबर आपका क्या दिया गया, 3 दिया गया है। तो आपको जो है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा और साथ में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका गिवन है, क्या करिए बोथ साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल आपका जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में आपका 2 बराबर यह आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर आपका 7 आ गया। जी हाँ, आपका 7 आ गया। बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो 5 है, 7 है, 9 है और आपका 11 दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 10th नंबर की बात करते हैं। 10th में क्या बोला जा रहा है, 2a माइनस में आपका b का होल स्क्वायर हो गया प्लस में आपका 2 हो गया। यहाँ से आपका 2a माइनस में आपका b हो गया प्लस में आपका 8 हो गया। ठीक है, ये आपका दिया गया है। यहाँ पे आपका माइनस है, प्लस की जगह यहाँ पे आपका माइनस है और अलग अलग आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको जो है इसका फैक्टर बताना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन बेसिकली करनी है जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो यह आपका बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत करके आया था। जी हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत करके आया था। देखिए, हम बता इसलिए देते हैं कि आप कहाँ पे गलती करते हैं, दिल तो है, बच्चा है जी, कहाँ पे गलती कर बैठा वह आपका जो है पता है। एग्जामिनर को भी जो आपसे एग्जामिनेशन ले रहा है उसको भी पता है कि आप कहाँ पे गलती करेंगे। इसलिए छोटे छोटे आपके पॉइंट्स को मैं बताता चलता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, जिससे कि आपका 20 out of 20 आपका गेन हो जाए। तो यहाँ से आपका 2a माइनस b बराबर आप लेट कर लीजिए x, इसको जो है आप x के बराबर जो है लेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 2x माइनस में 8 बराबर आपका 0 होने वाला है। इसका फैक्टर बना लीजिए, बहुत ही सिंपल आपका फैक्टर होने वाला है। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में आप जो है 2 को मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने बताया है और साथ में हमने फैक्टराइजेशन का ट्रिक भी बताया है। हालांकि यहाँ पे ट्रिक से नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आप जो है ट्रिक वाला क्वेश्चन का जो आपका हमने पूरा आपका कंप्लीट सीरीज अपलोड की, उसको आप जो है ऐप पर देख लीजिएगा और साथ में हमने यूट्यूब पे भी अपलोड करा दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका 2x दिया है, इसको आप स्प्लिट करिए। ऐसा स्प्लिट करना है कि आपको जो है मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -8x² आना चाहिए। तो यहाँ से आपका 4x हो गया माइनस में आपका 2x हो गया माइनस में 8, आप इसमें स्प्लिट कर दीजिए। यहाँ से x को कॉमन करेंगे, x प्लस आपका 4 आ जाएगा। यहाँ से -2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी आपका x प्लस आपका 4 आने वाला है। x प्लस 2 हो गया, x माइनस 2 हो गया। अब क्या करिए, यहाँ पे जो है x प्लस आपका जो है 4 आ गया है, x माइनस 2 आ गया। अब आप क्या करिए, x की वैल्यू जो आपकी ये है इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका हो गया 2a माइनस बी प्लस आपका 4 हो गया और दूसरा फैक्टर आपका 2a
माइनस बी माइनस आपका 2 हो गया। अगर हम फैक्टर की बात करें तो आपका 2a माइनस बी प्लस 4 और 2a माइनस बी माइनस 2, ऑप्शन नंबर जो आपके इसमें मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 11 नंबर की बात करते हैं। 11 में थोड़ा सा आपका लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, फिर भी हम लोग इसको एक अच्छे फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ पेंटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एट द रेट ऑफ 13 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 343.98 आपका रुपीस, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। इसमें बोला जा रहा है कि 13 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से एक घन के पूरे सतह के क्षेत्रफल को रंगने की जो लागत है आपकी 343.98 आपका पैसा दिया गया है, तो आपको घन का आयतन बताना है। यहाँ पे जो है आपका होल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a² होता है, ठीक है। आपका कर्व्ड सरफेस एरिया और साथ में आपका टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका जो होता है 13 आपका पैसा पर सेंटीमीटर, आपका जो रुपीस दिया गया है आपका 343 दिया गया है, 98 दिया गया है और 13 पैसा पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो आपको जो है 13 से डिवाइड करना है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 6a² हो जाएगा। आपका टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका जो होने वाला 343.98 अपॉन में आपका 3 इंटू में आपका 6। जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 4.41, जी हाँ 4.41 आ जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर बराबर आपका 4.41 आ जाएगा, तो ए बराबर आपका 2.1। जैसा कि हम सब जानते हैं 20 के स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है, तो सिंपली आप जो हैं ए की वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हम बात करें वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना आपका आयतन जो है घेरा जा रहा है, तो यह आपका ए क्यूब के बराबर होता है, तो 2.1 का होल क्यूब। यहाँ पे आपका 2.1 का होल क्यूब मतलब 21 का आप क्यूब कर दीजिए, तो जो आपके क्यूब में आंसर आने वाला है 9.261 आने वाला है, जी हाँ 9.261 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपका मीटर है तो आप मीटर क्यूब उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपका सेंटीमीटर है तो हम लोग सेंटीमीटर लिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका 13 पैसा पर आपका सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसलिए हमने आपका 13 से डिवाइड किया और वहाँ पे आपका 13 आपका पैसा सेंटीमीटर क्यूब दिया रहता, तो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन को जैसे पढ़ते हैं उसी हिसाब से आपको सॉल्व भी करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 12th नंबर की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 मीटर। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, जो आपके रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का जो आपका डिफरेंस है वो आपका 23 है, तो यहाँ से L बराबर आप लिख सकते हैं 23 प्लस में आप भी लिख सकते हैं, इसको आप 1 लेट कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया गया था कि आपका जो है एक आयत के लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अंतर है वह आपका 23 मीटर है, तो यहाँ से हमने L माइनस बी बराबर 23 लिख दिया, तो L बराबर हो जाएगा 23 प्लस में आपका B होने वाला है। और साथ में फिर बोला जा रहा है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर, इसके पेरीमीटर जो हैं आपके 206 हैं, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमाप बोलते हैं, और सर्कल के केस में आपका जो होता है परिधि होता है जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। देखिए आपका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर सिंपली आपको जो है इसका फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सम ऑफ ऑल साइड्स बराबर ही आपका पेरीमीटर होता है, इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपका पेरीमीटर बराबर हो जाएगा 2, लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर आपका जो है 206 दिया गया है, तो यहाँ से एल प्लस बी की अगर हम बात करें तो आप जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 103 आने वाला है, 103 आने वाला है। लेंथ की वैल्यू क्या है, 23 प्लस बी है, तो यहां से आपका 2b प्लस में आपका 23 बराबर आपका 103 हो गया, तो यहां से आपका 2b बराबर हो जाएगा 23 आप माइनस कर दीजिए, तो उसमें से आपका माइनस होने के बाद ये आपका जो आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो b बराबर आपका 40, b की वैल्यू जो आ गई 40 आ गई। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो आपका जो है एरिया आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया l * b होता है।
एरिया का होता है, लेंथ इनटू में आपका ब्रेथ होता है। तो यहाँ से आपका जो ब्रेथ की वैल्यू आ गई वो आपकी 40 आ गई। तो यहाँ से इस पर फूट करके आप जो है लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपका 63 इनटू में आपका 4 हो गया, 40 मतलब। यहाँ से आपका 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, कैरी 1 हो गया। 4 आपका 6 जा 24, ये आपका 25 हो गया। और यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, 2520 मीटर क्यूब स्क्वायर। यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर होने वाला तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिए, और सेंटीमीटर होने वाला है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। एक बार फिर से हम इसको समझाने जा रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि कि इस तरीके के क्वेश्चन का क्रेज आपका ज़्यादा है। इसको आप इम्पोर्टेंट में रख लीजिए, यह आपका क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ में यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगर आप जो है इसको एक्सलेट नहीं करेंगे तो आपका यह क्वेश्चन जो होगा एक अच्छे फॉर्म में डिकोड नहीं होगा, आपका कॉम्प्लेक्स सेटी देखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। अगर आप इसके अलावा किसी और माध्यम से करते हैं तो, किसी और मेथड से करते हैं तो, यहाँ पे आपका जो है डिफरेंस दिया गया था 23 दिया गया था, तो यहाँ से L बराबर उसको हमने B को उधर भेज दिया, तो 23 प्लस आपका B हो जाएगा। यहाँ से आपका P बराबर पेरीमीटर बराबर होता है 2, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। हमने वैल्यू को पुट करके उसके क्वेश्चन को हमने डिकोड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 43 आपके लिए जो है 13 नंबर होने वाला, 13 नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि आपका 550 पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 100 डेज। जो आपका बोला जा रहा है कि 550 जो आपके पीपल हैं वो किसी काम को आपका 100 दिन में करते हैं। क्या है आपका जो है 550 जो पीपल हैं वो किसी काम को जो है आपका 100 आपके डेज में करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एक पीपल की, बात करें कि एक पीपल इसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो आपका 500 इंटू में आपका 100 हो गया, तो यहाँ से आपका 55000, ठीक है, इतना आपका दिन लगाएगा अगर एक आदमी उसी काम को करेगा तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट, आपके जो हैं पॉइंट्स का एक एक पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं और साथ में उसको डिकोड करते हुए चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, फिर बोला जा रहा है, आफ्टर 10 डे स्टार्ट द वर्क 50 मोर पीपल ज्वाइंट, इन हाउ मैनी डेज नाउ द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। इसमें क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 550 लोग एक काम को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम प्रारंभ होने के 10 दिन पश्चात आपके 50 और लोग शामिल हो जाते हैं, तो काम को पूरा करने में तब कितने और दिन लगेंगे। पहला ऑप्शन आपका 82.5 दिया है, नेक्स्ट वन आपका 82 1/3 दिया है, नेक्स्ट वन इसमें आपका 83 1/2 दिया है, और 83 1/3 दिया है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम फिर भी इसको आपका जो है सिंप्लिसिटी करने की कोशिश करते हैं और आपको डिकोड करके हम समझाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि 10 दिन स्टार्ट होने पे आपका जो होता है 50 पीपल और ऐड होते हैं। तो 10 दिन पहले का अगर हम लोग काम की बात करें, 10 डेज की बात करें, तो जो आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 डेज आपके टोटल लेते हैं, तो यहाँ से आपका जो होने वाला है 10 दिन की, अगर हम लोग काम की बात करें, आपका बोला जा रहा है कि आपका जो होता है 10 दिन आपका जो होता है किसी काम को 100 जो है आपके जो है 100 दिन लगता है 550 आपका पीपल, और 10 दिन स्टार्ट होने के बाद जो होते हैं 50 लोग आते हैं। तो अगर हम लोग आपके 10 दिन की काम की बात करें, तो आपका यहां से होने वाला है 10/100 होने वाला है, या आप बोल सकते हैं 1/10 होने वाला है। ये आपका जो हो गया 1/10 आपका काम टोटल हो गया, वर्क जो हो गया। अब आपका कितना आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो आपका लेफ्ट वर्क की अगर हम बात करें कि लेफ्ट वर्क कितना हो जाएगा, जो आपका छूटा हुआ काम है, तो 1 में से आप 10 को घटा दीजिए, 1/10 को, तो यहाँ से 9/10 आपका जो है वर्क जो है काम आपका लेफ्ट हो जाएगा। बचा हुआ जो काम है वह आपका 9/10 होने वाला है। फिर बोला जा रहा है यहाँ से कि आपका जो होते हैं 50 पीपल और आपके ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ से आपका 550 है प्लस में आपका 50 पीपल ऐड हो जाते हैं, तो टोटल आपके जो है 600 पीपल हो गए हैं। 600 लोग काम को करते हैं, तो 600 लोगों की काम की बात करें, तो एक पीपल का जो काम है आपका 55000 आपका डेज है। तो 600 पीपल की अगर हम बात करें, तो यहाँ से आपका
अपॉन में आपका 600 होने वाला है। यहाँ पे आपके 600 पीपल की बात करें तो यहाँ से आपका ये होने वाला है, आपका 20 से 20 कट गया, यहाँ से आपका 275 अपॉन में आपका 3 आपका डेज में वह काम को पूरा करेगा, ठीक है। 275 बटा में आपका 3 आपके दिन लगेंगे और टोटल वर्क कितना है, 9 hours by 10 है। तो आपका जो है कितने दिन आपके लगेंगे अगर हम उसकी बात करें टोटल काम की, तो यहाँ से आपका 275 अपॉन में आपका 3 हो गया इंटू में आपका 9 by 10 हो गया, इससे आपका 3 times में कट जाएगा। यह आपका आ गया 273 इंटू में 3 अपॉन में आपका 10 आ गया, इसको आप 5 से 2 times में कट कर दीजिए, इसको 5 से 5 हो गया और यह आपका 5 हो गया। तो ये जो आ गया 55 इंटू में 3 by 2 आ गया, यहाँ से आप जो है 55 इंटू में आप जो हैं यह आपका 3 कर दीजिए, तो यह आपको 100 आपका 10 हो गया, फिर इंटू में यह आपको 165 by 2 हो गया। इसको आप जो है 82 1/2 आप लिख सकते हैं, 82.5 आपका जो है लगेगा काम को पूरा करने में। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। इसमें देखिए एक पीपल का काम जो है इतना है, तो 600 पीपल कितने दिनों में करेंगे, तो 275/3 डेज आपका लगेगा और टोटल वर्क आपका एक काम है, तो आपको 1/10 काम घटा देंगे तो 9/10 काम आपका बच जाएगा। तो ओवरऑल जो आंसर आ रहा है 82.5 आपका लगेगा डेज उसको पूरा करने में। उम्मीद करते हैं कि आपका जो है 13 तक के पूरे कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और साथ में इस तरीके के क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8795553272, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में वाराणसी उत्तर प्रदेश में मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे आपकी टीचर फैकल्टी जो होता है बच्चों को फेस टू फेस इंटरेक्शन कराते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फेस टू फेस पढ़ना हम लोगों से, तो आप जो है फेस टू फेस भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की जम के प्रैक्टिस करिए, कन्फर्म है कि आपका ही 20 out of 20 मैथमेटिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपका स्किप नहीं होगा। आप एक अच्छे फॉर्म में पढ़ाई करते हैं तो सीएचएस में 20 में से 20 मैथमेटिक्स में पाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 14 नंबर है, या आपका प्रोबेबिलिटी से है, प्रायिकता से आपका क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर ऑन 1 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 2 ऑन द अदर इज, 2 पासे जो हैं एक साथ फेंके जाते हैं, एक पर आपका सम संख्या और दूसरे पे आपका 3 का गुणक आने की प्रायिकता क्या होगी। पहला ऑप्शन आपका 1/6, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका 5/12, नेक्स्ट है इसमें आपका 5/6 और लास्ट इसमें आपका 11 अपॉन में आपका 36। जो आपका चौथा ऑप्शन है 11/36 वो आपका करेक्ट होने वाला है। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो देखिए प्रोबेबिलिटी में आपको जो है थिंकिंग काफ़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, दूर की सोचनी पड़ेगी। जी हाँ, बहुत दूर की बात नहीं की जा रही, आपके पेपर की ही बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए डाइस की बात की जा रही है। जो बच्चे पासे को नहीं जानते, मैं बता दूँ कि आपने बचपन में लूडो खेला ही होगा या अभी भी आप खेलते ही होंगे, तो जो आपकी लूडो की गोटी होती है उसी की बात की जा रही है। टोटल उस पर आपके कितने डिजिट होते हैं अगर हम उसकी बात करें, तो टोटल आपके उस पे 6 digit होते हैं। तो आपके 2 पासे फेंके जा रहे हैं, तो टोटल आपकी पॉसिबिलिटी की बात करें कि आपका टोटल आपकी पॉसिबिलिटी की बात करें कि कितने आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पहले डिजिट पे आपका 6, दूसरे पे 6, तो टोटल आपकी पॉसिबिलिटी आपकी 36 हो गई। जी हाँ, टोटल आपकी पॉसिबिलिटी जो होगी 36 हो गई। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि आपका जो है 36 आपका नीचे आने वाला है। देखिए प्रोबेबिलिटी के एक फॉर्मूला होता है, उसको आप लर्न कर लीजिए अगर आप लर्न कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आपका कंडीशन अपॉन में आपका टोटल आउटकम्स, ठीक है।
नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन में आपका टोटल आउटकम्स, अगर हम बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन की तो अभी नहीं पता है, टोटल आउटकम्स आपका 36 आने वाला है। और देखिए इसमें बोला जा रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, तो सबसे पहले आपका सम संख्या क्या होता है, जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए वो आपका सम संख्या होता है, और टोटल आपके 6 डिजिट होते हो तो उसमें सम संख्या कितना हो गया आपका 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, यही आपके 3 नंबर होने वाले हैं। और साथ में इसमें बोला जा रहा है कि वह आपका जो है 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। दूसरा केस आपका बोल दिया कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 और 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे आपको करना है। तो हम जो है एक बार आपको लिख के भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से आपके कंडीशन बन सकते हैं, देन उसके बाद जो है आप उसको करिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका 2 के साथ, तो 2 के साथ 3 बनेगा, फिर 2 के साथ आपका 6 बनेगा, फिर आपका जो है 2 के साथ आपका जो है ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 के साथ आपका 3 बनेगा और 4 के साथ क्या बनेगा आपका 6 बनेगा, फिर आपका 6 के साथ 3 बनेगा और 6 के साथ 6 बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या हो गया, 2 के साथ 3 का बना और आपका 2 के साथ जो है 6 का बना, इसी तरीके से आपका 4 का जो है 3 से बना और इसी तरीके से आपका जो है 6 का बना। अब क्या करेंगे, आप जो है इसको पलट दीजिए, आपका 3 से भी तो बनेगा, 3 से भी तो बनेगा, 3 का क्या बनेगा, 3 का 2 से बनेगा और 3 का 4 से बनेगा और आपका 3 का 6 से बनेगा और आपका जो है 6 का 2 से बनेगा, 6 का 2 से बनेगा और 6 का 4 से बनेगा और 6 का 6 से पहले ही बना है। तो टोटल आप देख सकते हैं इसमें आउटकम्स की अगर हम बात करें तो टोटल आपके 11 आउटकम्स आ रहे हैं। तो आपका 11/36 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे दिखा दिया या फेवरेबल कंडीशन दिखा दिया कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है आपका जो है। सबसे पहले आपका इवन नंबर की बात की जा रही थी तो इवन नंबर 246 होता है और साथ में 3 का मल्टीपल की बात की जा रही थी तो 3 और 6 हो जाएगा। आपका टोटल अगर हम लोग बात करें आपके फेवरेबल कंडीशन की तो आपका 11 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से आपका बिल्ड हो गया होगा इस क्वेश्चन के लिए और साथ में कॉन्सेप्ट जो होगा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो जो मैंने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पे वीडियो बनाई है उसको देख लीजिएगा, आपका प्रोबेबिलिटी से एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 15 नंबर की बात कर लेते हैं कि 15 नंबर में आपका क्या पूछा जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो दिया गया है 7a दिया गया है इक्वल टू आपका क्या लिखा गया है 5 आपका b लिखा गया है इक्वल टू आपका 2c लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है a b और c का आपको रेशियो बताना है, क्या करना है a b c का रेशियो बताना है। इसके लिए बहुत ही हम सिंपल ट्रिक आपको बता रहे हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पे 7a बराबर 5b बराबर आपका c दिया गया है, इसको जो है आप k के बराबर लेट कर लें, इसको जो है k के बराबर लेट कर लें तो यहाँ से आपका 7a बराबर आपका k हो जाएगा, तो a बराबर आपका k/7 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका b बराबर कितना हो जाएगा आपका k/5 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा आपका k/ आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह थे आपके ट्रिक जो आपको जो है k के बराबर आपको लेट कर लेना है और सभी आपके इसको लिख लेना है। कैसे लिख लेना है, k/7 हो गया, k/7 बराबर आपका जो हो गया, यहाँ से आप लिख लीजिए, बराबर आपका k/5 हो गया बराबर आपका k/2 हो गया। सभी को आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे जो एलसीएम आने वाला है वो आपका 70 आने वाला है, एलसीएम आपका 70 आने वाला है, तो यहाँ पे जो रेशियो आने वाला है 10 हो गया और यहाँ पे आपका 5 से करेंगे तो ये आपका 14 हो गया और ये आपका 35 हो गया। तो जो आपका करेक्ट आंसर है जो आपका ऊपर वाला ये आपका नंबर आएगा वही आपका जो है रेशियो हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो आपका ए बी सी का आपका रेशियो रहेगा वो आपका 10:14:35 होने वाला है। अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपका 16 नंबर की बात कर लेते हैं। 16 नंबर में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यह भी आपका जो है P बराबर आपका जो दिया है 99 दिया है, ठीक है, आपका P बराबर 99 दिया है और आपसे जो है वैल्यू पूछा जा रहा है
पी पी स्क्वायर प्लस में आपका 3p हो गया प्लस में आपका 3 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है कितना होगा, अलग अलग आपके डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। और बच्चे क्या करते हैं बेसिकली हम लोग बता दें, देखिए आपको ऐसे एग्जामिनेशन में सोचना ही नहीं है, जिस तरीके से आप सोचते हैं उस तरीके से आपको कन्वेंशनल मेथड से आपको थिंक ही नहीं करना है। अगर आप कुछ अच्छा सोच सकते हैं तो आप सोचिए, क्योंकि देखिए कहने का सेंस ये है कि कंपटीशन टफ होने वाला है। कंपटीशन जो है जिस इंटेंस एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं उसमें जो कंपटीशन है आपका इंडिया लेवल का है, तो आपको जो है थिंक भी काफी अच्छे लेवल का करने की जरूरत है। तो यहां से हम क्या करते हैं, आपको थिंक इस तरीके से नहीं करना है कि पी का वैल्यू हम लोग 99 पुट करेंगे, फिर पी का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 × p करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा। हम आपको बताते हैं कैसे सोचना है। पी का आपको जो है यहाँ पे क्यूब कर दीजिए, प्लस में आपका 3p स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका 3p हो गया, ठीक है। यह आपको जो है पी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट में, यहाँ पे हम जो है प्लस 1 कर रहे हैं और माइनस 1 कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 1 कर रहे हैं माइनस 1 कर रहे हैं। यह जो फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, पी प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से आपका पी प्लस 1 का होल क्यूब हो गया, माइनस में 1 हो गया, तो पी की वैल्यू आपकी 99 प्लस 1 या आपका 100 का क्यूब हो गया, 100 का क्यूब हो गया, माइनस में 1 हो गया। तो 100 का क्यूब मतलब आपका 60, आप आँख मून के लगा दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, आप जो है 5 times 9 लिख दीजिए। जी हाँ, 5 times 9 लिख दीजिए और आपका आंसर जो है आपके आँखों के सामने, आपके आँखों के सामने आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की बात, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में इस ट्रिक कैसी लगी, या यह ट्रिक की बात करें या इस ट्रिक की बात करें या इसकी बात करें, कैसा लगा उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आप कुछ अच्छा लिखते हैं तो हमको भी एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छे फॉर्म में कंटेंट आपको तैयार करके देने की जरूरत पड़ती है और अच्छा लगता है। इसीलिए आप जो है कमेंट सेक्शन किया करिए, जरूर से कमेंट करके बताया करिए कि कैसी आपको वीडियो लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर की। इसमें बोला जा रहा है कि राम एंड श्याम अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन। एक आपके एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आपका राम और श्याम जो होते हैं आपका अपीयर होते हैं। राम सिक्योर 24 मार्क्स मोर देन श्याम। जो आपका राम होता है वह आपका जो होता है 24 मार्क्स आपका ज़्यादा पाता है श्याम से। तो अगर हम बात करें श्याम की बात करें तो श्याम बराबर मैं एक्सलेट कर लेता हूँ, तो राम जो होता है एक्स प्लस 24 आपका ज़्यादा पाता है। तो यहाँ से आपका एक्स प्लस 24 हो गया। फिर इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो है 24% आप 24 मार्क्स जो है ज़्यादा आपका श्याम से गेट करता है। द मार्क्स ऑफ राम वर 65% ऑफ द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द बोथ ऑफ देम, द मार्क्स ऑब्टेन बाय राम एंड श्याम। एक बार मैं हिंदी आपको रेफरेंस के थ्रू पढ़ देता हूँ। राम और श्याम एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, राम ने श्याम से 24 अंक ज़्यादा प्राप्त किया और राम के अंक दोनों के अंकों के योग का आपका जो है 65% रहा। तो राम और श्याम का जो है आपको मार्क्स बताना है कि कितना मार्क्स उन्होंने पाया। तो जो आपका राम के आपका मार्क्स हो गया वह आपका जो है एक्स प्लस 24 हो गया, बराबर इसमें बोला जा रहा है कि 65% आपका ज़्यादा आपका मार्क्स पाया, 65% ज़्यादा आपका जो है सिक्योर किया और राम वर 65% ऑफ द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन, दोनों आपका मार्क्स जो है ऑब्टेन किया। तो इसको और इसको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे तो ये आपका 2x प्लस 24 होने वाला है। तो यहाँ से आपका 100 हो गया, x प्लस 24 बराबर आपका 65 हो गया, 2x प्लस 24 हो गया। यहाँ से आप जो है 5 से कट कर दीजिए तो ये आपका 20 आ जाएगा, 20x हो गया, प्लस में आपके यह 480 हो गया, इक्वल टू आपका 13 आ जाएगा, 13 का 2 में करेंगे तो यह आपका 26x, प्लस में आपका 13 × में आपको क्या करना है 25 करना है, 13 × में 25 करना है, 24 करना है, तो यह आपका आपका 312 आ गया। अब आप माइनस कर दीजिए तो यहाँ से आपका 6 बराबर होने वाला है 6x बराबर होने वाला। आप इसको इधर लाएंगे तो ये आपका जो आ जाएगा हो गया आपका 8 हो गया, ये आपका जो हो गया 7 में से 1 गया 6 हो गया और यहाँ पे 1। जब आप इसको
सिक्स एक्स बराबर 168 हो गया, तो x बराबर 168 अपॉन में 6 हो गया, तो ये आप डिवाइड करेंगे तो 28 आ गया। अगर हम लोग श्याम की बात करें मार्क्स की, तो ये आपका 28 हो गया। अगर हम लोग राम की बात करें तो आपका 28 और 24, ये आपका जो आने वाला है 52 आने वाला है। जी हाँ, 52 आने वाला है। तो आप बोल सकते हैं 28 और 52 आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगर हम राम की बात करें तो आपका 52 मार्क्स, और अगर हम श्याम की बात करें तो 28 मार्क्स पाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका 18 नंबर की बात करते हैं, 18 नंबर की बात करते हैं। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ 18 नंबर को। इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन हैज इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 135 डिग्री। एक समबहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि उसके प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 135 हैं। तो देखिए, आपका इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, जो आपका इंटीरियर होता है आंतरिक प्लस में आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, उसका जो सम होता है वह आपका 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जो आपका इंटीरियर एंगल है वो आपका 135 है, तो 135 प्लस में आपका एक्सटीरियर बराबर 180 हो गया। तो यहाँ से आपका एक्सटीरियर बराबर जो हो गया 45 हो गया, एक्सटीरियर बराबर जो हो गया है यहाँ पे आपका 45 हो गया। तो आपका टोटल जो होता है आपका 360 होता है, तो यहाँ से आपका 360 अपॉन में n की वैल्यू 45 हो गई, तो यहाँ से ये आप डिवाइड कर दीजिए 8 आ गया। n की वैल्यू जो आ गई 8 आ गई। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। 19 नंबर की बात करते हैं, 19 नंबर की बात करते हैं। देखिए, आपका कॉपी पेन पे पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके कैमरे को फेस करके पढ़ाना एक अलग आपका जो होता है वे ऑफ टीचिंग अलग होता है। तो यह जो आपका मेथड होता है, यह बहुत ज़्यादा आपको मेहनत लगती है बनाने में वीडियो को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करिए। देखिए, कॉपी पेन पे पढ़ाना सभी बच्चे भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन आपके बोर्ड पे कैमरे के सामने आपको फेस करना कितना आपका कठिन होता है। जब आप एक वीडियो को शूट करेंगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस जो है पता चलेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि मेहनत आप लोगों के लिए किया जाता है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करिए। यहाँ पर बोला जा रहा है 49 में, ये 50% ऑफ एक्स माइनस y, 50% बोला जा रहा, तो 50 अपॉन में आपका 100 हो गया, इंटू में आपका x माइनस y हो गया, बराबर आपका लिखा गया है 30% ऑफ x प्लस y, 30% ऑफ x प्लस y, यहाँ पे आपका यह दिया गया है। और साथ में आपको क्या बताना है, x आप व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, आपको बोला जा रहा है कि तो y x का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो यहाँ से यह आपका कट हो गया, यह बेसिकली आ गया आपका 1/2 आ गया, यह आपका इससे कट हो गया, तो यह आपका 3/10 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपका 1/2 बचा हुआ है और उधर आपका 3/10 बचा हुआ है, क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ से आपका 10 हो गया, x माइनस वाई बराबर आपका 6x प्लस वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10x हो गया, माइनस में आपका 10y बराबर आपका 6x प्लस में आपका 6y हो गया, उधर जाएगा वो आपका 16 हो जाएगा, इधर यह आएगा आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4x बराबर आपका 16y, तो x बराबर आपका 4y, x बराबर आपका 4y आ गया। इसमें आप पुट भी करके निकाल सकते हैं, x की वैल्यू जो है y के फॉर्म में आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे अगर, तो यहाँ से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे x बराबर आपका जो है 4y आ गया। तो यहाँ से आपका परसेंटेज की बात की जा रही थी, अगर हम बात करें आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, x में आपको y का कितना परसेंट है, तो यहाँ से अगर हम बात करें x by y बराबर आपका 4 हो गया, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, तो आपका 400 सिंपल सा आ गया। अगर हम बात करें आपके ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होने वाला है, इसके लिए आपका करेक्ट होने वाला है। जी हाँ, आपका 400% आने वाला है। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो आप जानते हैं कि परसेंटेज बराबर 1/100 आपका होता है, तो यहाँ से आपका 400% आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली जो है x बराबर 4y आप लिख कर आसानी से आप देख सकते हैं कि सिंपली वे में हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, और यहाँ पर रख के भी आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे होने वाला है।
आपका आखिरी जो है क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी बन जा रही है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, समझने के लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपका देखिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराना बहुत बड़ी बात नहीं, हम जल्दी जल्दी कुछ भी आपको लिख के करा सकते हैं, 20 मिनट्स की भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इतनी लंबी वीडियो बनाने का हमको भी शौक नहीं है। हालांकि आपका कॉन्सेप्ट जो है स्किप नहीं होना चाहिए, मे बी इस पर आपका बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिख जाए तो आप जो है उसको आसानी से डिकोड कर सके। इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही रहने वाला है। इसमें बोला जा रहा है कि द मीन ऑफ अ 10 नंबर इज 55, मीन जो है 10 नंबर का आपका 55 दिया है, तो मीन बराबर होता है जितना आपका नंबर है आपका दिया गया है, कितना दिया गया है आपका 55 दिया गया है। तो जो नंबर है मैंने x लेट कर लिया, तो x by 10 बराबर हो गया 55 हो गया, तो x बराबर आपका 500 आपका 50 हो गया। फिर बोला जा रहा है कि इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम 50। इसमें बोला जा रहा है कि 10 संख्याओं का जो माध्य है वह आपका 55 है, यदि इनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का जो माध्य होता है वह आपका 50 हो जाता है। फिर इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका नंबर एक नंबर है इसमें से आपका जो है हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो एक्स बाय 9 बराबर आपका कितना हो जाता है 50 हो जाता है, 50 हो जाता है, तो यहाँ से x बराबर आपका 450 हो गया, x की वैल्यू आपकी 450 आ गई और ऊपर x की वैल्यू जो है 550 आ रही है, तो कितने नंबर का डिफरेंस है आपका 100 नंबर का डिफरेंस है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है कौन सी संख्या निकाली गई, तो वह आपकी जो है 100 निकाला गया। अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होने वाला है यह आपका डी, जी हाँ डी आपका ऑप्शन होने वाला है। इस आपके पेपर में मैक्सिमम ऑप्शन आपके डी थे, लेकिन आपको जो है टुक्का नहीं मारना है तो नहीं मारना है, आपको जो है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में अभी तक जो है नेगेटिव आपके मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, आगे में भी हो सकता है, लेकिन अब तक जो है दो आपका इस आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा और साथ में आपने सभी कॉन्सेप्ट को समझा होगा, सीखा होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस पेपर को जो है पाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है और मिलते हैं नए लेक्चर में नए आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8795553272, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।